वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ जहाँ ईद बकरा मंडी की कब से लगेगी, कितने दिन से लगनी शुरू होगी और क्या मतलब कौन सी तारीख है, तो मैं आपको बताऊँगा सारा इसमें। तो वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। मैं यहाँ मीना बाज़ार में हूँ, यहाँ पर सब जगह बकरे वकरे आएंगे और मैंने अपडेट ली है कि कितने दिन में आ सकते हैं। कंफर्म तो खैर अभी भी कुछ नहीं है अभी, लेकिन हाँ डेट बताई गई है 2-3 मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ भी सब जगह बकरे बकरे होंगे, टेंट लगेंगे यहाँ पे सब जगह, पूरे ये लाल किले जाता रास्ता सीधा, तो यहाँ भी बकरे बकरे बिकने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और यहाँ पर भी सब जगह बकरे ही बकरे बिकेंगे। अभी एक उर्दू पार्क में भी मैं ले चलता हूँ आपको, उर्दू पार्क में चलते हैं अभी, वहाँ देखते हैं कि क्या है। यहाँ सब जगह, यहाँ ऊपर भी, इधर जहाँ घास घास निकल रही है ये इस जगह पे, यहाँ सब जगह बकरे ही बकरे होंगे। और यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे आते हैं कुर्बानी के, एशिया की नंबर वन मंडी है ये गाजीपुर में, जो कट्टू बकरे होते हैं वो आते हैं जो रोज़ाना कटते हैं। और यहाँ पे कुर्बानी के मतलब के बकरे आते हैं, एक से एक खूबसूरत, एक से एक ज़बरदस्त बकरे आते हैं। अभी उर्दू पार्क में देखते हैं, ये सामने उर्दू पार्क है, जो उर्दू पार्क में आ गए हम। यहाँ अभी क्रिकेट खेला जा रहा है, अभी कोई टेंट नहीं लगा पर बहुत जल्दी लगने वाले हैं इंशाल्लाह। जिस दिन भी लगेंगे तो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। जिस दिन पहले पहली गाड़ी उतरेगी बकरों की, तो उस दिन भी आप पे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। और मैं बता देता हूँ आपको कि अब ये कौन सी तारीख में, मुझे बताएं 3 तारीख बताई हैं, 3 तो 3 में से कभी भी हो सकती है, कभी भी मतलब टेंट लग सकते हैं यहाँ पे सब जगह। पूरे यहाँ पे बकरे बकरे होते हैं, जो लोग यहाँ पहले भी आ चुके तो उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पे किस तरह की मंडी लगती है। और हर नस्ल के बकरे यहाँ मिल जाते हैं, एक से एक खूबसूरत बकरा मिल जाता है। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट होते हैं, मुनासिब रेट होते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर बकरा ख़रीदने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ सब जगह बकरे बकरे होंगे इंशाल्लाह। आपको टंकी के नीचे यहाँ बकरे बिक रहे हैं, ये भी दिखाते हैं कौन कौन से रेट के, किस किस रेट के कौन कौन से यहाँ पे बकरे हैं, ये भी दिखा देते हैं आपको। किससे शुरू करते हैं, कितने का ये वाला? ये 1650। 1650 रुपये का है, दो दांत में ये ना ऊना है। अच्छा दंत है अभी, ये ऊना है जी, 1650 रुपये मांग रहा है इसके। जो भाई पालने के शौकीन है वो ले सकते हैं ये वाला बच्चा। और ये वाला 35,000 रुपये का, 35,000 रुपये मांग रहे हैं भाई इसके। कितने दांत में है? 4 दांत। 4 दांत में है जी, 4 दांत 35,000 रुपये मांग रहे हैं। वजन में कितना होगा अंदाजा? ये वजन में 50 किलो का लगभग होगा, 50 किलो के आसपास है। और ये कत्थई वाला, इसके 23,500। 23,500 रुपये मांग रहे हैं भाई इसके। देख सकते हो आप बच्चा खूबसूरत है, शाइनिंग बाले एकदम, दो दांत में ये भी। हाँ, वो चित्तेदार जो है 24,500 रुपये मांग रहे हैं भाई, दो दांत का है, 24,500 रुपये मांग रहे हैं। और ये वाले क्या, ये जोड़ी है क्या इसके साथ ही? अच्छा, अकेले 32,000। इसके 32,000 रुपये मांग रहे हैं। कितने दांत में है ये? ये 2 दांत। और वो वाला? वो भी 2 दांत। ये 2 दांत में 32,500 रुपये। ये जोड़ी है, सिंगल सिंगल भी चल जाते हैं? है तो जोड़ी, सिंगल भी अगर कोई लेता तो दे देते। तो कितने कितने के जोड़ी के साथ लेगा कोई? तो जोड़ी 46,000। और सिंगल लेगा तो कोई? 23,000 रुपये। 23,000 रुपये का एक बकरा, बाकी जोड़ी अगर कोई लेता 46,000 रुपये। और ये वाला? ये वाला
ये जोड़ी है। हाँ, 52,000 रुपये की जोड़ी है ये। दो दो दांत में ये भी। हाँ, दो दो, और ये वाले भी दो दांत में। और ये काले वाले, ये सिंगल है। ये सिंगल कितने का? इसके 23,000। 23,000 रुपये मांग रहे हैं इसके भाई। कितने दांतों में? कितना है? चार दांत में 23,500 रुपये। देख लो बच्चा भाई, खूबसूरत है। और ये वाला, ये कितने का? 26,000 रुपये का। 26,000 रुपये मांग रहे हैं इसके दो दांत का। और ये वाला, ये भी तीनों में 26,000 रुपये। अच्छा, दो दो दांत के हैं तीनों। 26,000 तो देख सकते हो भाई, 26,000 रुपये के। बकरों की हाइट वगैरह भी और हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये वाली क्या मांग रहे हैं इसके आप? 55,000 रुपये जोड़ी। दांतों में कितनी है? दो दो दांत हैं भाई। 55,000 रुपये मांग रहे हैं। बहुत शानदार है, शाइनिंग है एकदम। और ये वाले क्या जोड़ी है अभी? हाँ, इसकी क्या मांग रहे हैं? 48,000 रुपये दोनों। 48,000 रुपये दोनों को। कोई सिंगल लेगा तो? सिंगल लेगा 24,000 रुपये। 24,000 रुपये, 24,000 रुपये का सिंगल, बाकी 48,000 रुपये। बच्चे खूबसूरत हैं अभी, बहुत प्यारे हैं। दांतों में कितने कितने? दो 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 दांत हैं भाई। और ये वाला पूछ लिया था हमने अभी। हाँ, पूछ लिया। क्या बताए थे इसके? 24,000 रुपये बताए थे इसके। बाकी आप रेटों में थोड़ी गुंजाइश हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, हो जाएगी गुंजाइश। तो कॉन्टेक्ट नंबर देना आप अपना, ताकि बंदा आपसे कोई कॉल करके अपना बकरा कोई किसी को पसंद आ रहा होगा तो बुक करा देगा अपना। 99-17-95-32-81 ये भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो जाम मस्जिद दे रही, एक नंबर गेट ये हैगा। और यहाँ टंकी लगी हुई है, टंकी के जस्ट नीचे आपको दिख जाएंगे। तो अभी दोपहर में तो नहीं होते आप? शाम को 5:30 बजे, 6 बजे तक होते हैं। तो 6 बजे तक यहाँ पर होते हैं, बाकी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आराम से भाई फ़ोन पे बात हो जाएगी, जहाँ भी किसी को आना होगा ये बता देंगे एड्रेस, तो वहाँ के ले जाइएगा बकरा। बाकी बच्चे बहुत खूबसूरत आए हुए हैं, सारे बच्चे एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। मैंने मंडी के साथ साथ मतलब ये बकरे भी दिखा दिए हैं, जिस भाई को पसंद आ रहा हो कॉन्टेक्ट कर सकता है, नंबर भी दे दिया। तो आराम से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं, बकरे खूबसूरत आए हुए हैं। बाकी रेटों में गुंजाइश हो जाएगी, मांगते तो सर खैर इतना ही है, वो मुँह मांग के कोई नहीं देता, तो गुंजाइश हो जाएगी रेटों में भी। यहाँ पे जो मैंने पूछा कुछ लोगों से, तो मुझे अभी तक जो पता चली है वो कम से कम 3 तारीख पता लगी हैं, बाकी तो कन्फर्म तो अभी कह रहे हैं कोई है नहीं, 5-7 दिन कह रहे हैं। बाकी तो लोग कह रहे हैं लगने वाले हैं इंशाल्लाह, और टेंट भी लगने वाले हैं, 5-7 दिन के अंदर बकरे भी आ जाएंगे। तो यही लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि 22 तारीख 24 तारीख और 26 तारीख या 3 तारीख अभी बताई हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी मतलब ये जो कंफर्म डेट मिली है, इन डेट के अंदर हो सकता है कि मंडी लगनी शुरू हो जाए, टेंट लगने शुरू हो जाए। बाकी और कोई नेक्स्ट अपडेट मिलेगी मुझे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके अलावा ओखला धोबी घाट भी मैं गया था, बटला हाउस, तो वहाँ पर भी अभी बिल्कुल मंडी खुली भी नहीं है, मंडी बंद ही है, तो वहाँ कोई बकरा नहीं है। तो वहाँ पे जो बताया गया वो बताया गया कि 1 तारीख से मंडी खुल सकती है, मतलब खुली जाएगी, तो वहाँ बकरे आने शुरू हो जाएंगे। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि 5-7 दिन के अंदर भी वहाँ बकरे आने शुरू हो जाएंगे। तो बाकी कोई अगर बहुत अच्छी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो कहीं एंड करते हैं, चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।